कहानियां खाने के लिए उठे दही अपनी। ये सिर्फ और ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्चें। ये बच्चों के मोस्ट फेवरेट डिश होती है क्रैकर्स, ये ना हो। और सहरी पर भी सुबह तक ये लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मतलब ये इनके मजे हैं। हम फिर अकेले हैं, आ जाओ भाई इब्राहिम। वेलकम टू माई चैनल हीर अली। गाइज क्या हाल चाल है आप लोगों के? और आज है छठा रोज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तक के रोज़ों में कल वाला रोज़ा जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा लगा है। जिसने मेरी कल की वीडियो देखी होगी उसको इस बात से अंदाज़ा हो गया होगा कि कल मेरी क्या हालत हो गई थी। बाकी के 5 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजरे। और मैं जो वीडियोज़ बनाती हूँ तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि मौसम बहुत आजकल अच्छा है, तो इस वजह से जो है ना वो बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे थे। लेकिन जो छठा जो रोज़ सॉरी जो ये कल का जो रोज़ा था ना, तो उसमें क्या हुआ था कि जो है ना वो बच्चों को जब मैं स्कूल पिक करने के लिए जा रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो मैंने अपने घर के काम बहुत स्पीडली वाइंड अप किए, सारी सफाई और जो है ना वो आटा शाटा गूंदा। और फिर भागी भागी मैं गई ऑटो लेने के लिए, क्योंकि ऑटो जो है ना वो ढूंढने में टाइम लग जाता है। और मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था, काफ़ी आगे जाने के बाद मुझे ऑटो मिला। तो फिर उसका रिज़ल्ट ये निकला कि मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। वापसी पर इतना ट्रैफिक था कि हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। और जो है ना क्योंकि रमज़ान के टाइमिंग्स थोड़े से शॉर्ट हो गए हैं, बहुत जल्दी छुट्टी होने लगी है, तो सभी स्कूल्स के टाइमिंग्स यही होती हैं, तो रोड्स पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। और आने के बाद तो बस मैं यूँ आके बेड पर गिर गई थी और पड़ गई थी। ना मुझे कुछ पता चल रहा था, होश ही नहीं था, ना मुझसे बोला जा रहा था। और ये बचदान का बच्चा जो है उल्टी सीधी मेरी व्लॉगिंग बना रहा था और क्या नाम है जो है ना ये मुझसे बातें भी कर रहा था, सुनाई मुझे सब दे रहा था, लेकिन जो है ना मैं आंसर नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं बिल्कुल भी होश में नहीं थी। तो गाइज मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों से अपना डेली रूटीन शेयर करूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी। तो ज़रूर मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। गाइस हवा तो है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है और देखते हैं अभी हमें ऑटो मिलता है नहीं मिलता, कहाँ तक वारी करनी पड़ती है। जल्दी खोलो। तो भाई हम पहुँच गए हैं और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो गाइस स्कूल से मैं आ गई थी बच्चों को लेकर और बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। धूप की वजह से हवा बहुत चल रही थी, लेकिन हवा भी ऐसी गर्म चल रही थी, लू वाली हवा, जैसे लू चलती है ना वो वाली। तो खैर बहुत गर्मी थी। और वापस आए तो एज़ यूजुअल जो है वो हालत बहुत टाइट थी, शदीद किस्म की प्यास लग रही थी। फिर मैंने जो है ना वो बच्चों को नाश्ता शास्ता बनाया और बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और अब ये लोग यहाँ पर सो गए हैं। तो ये आजकल का रूटीन है। और अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और अब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद देखती हूँ मैं खाने में क्या बनाऊँ, ये सोचूंगी रात के लिए, और फिर मैं इफ्तारी की तैयारी करूँगी। तो खाने में मैंने आज बनाया है गोभी चिकन, जो मैं अभी जल्दी जल्दी बना रही थी। हाँ मैं पकोड़ों के लिए बैटर रेडी कर रही हूँ और मेरे बच्चे सिर्फ आलू के पकोड़े खाते हैं, तो इसलिए सिर्फ हमारे यहाँ आलू के पकोड़े ही बनते हैं। बस ये बच्चों के लिए बनेंगे, मैं तो पकोड़े नहीं खाती हूँ। तो इसमें मैंने ऐड किया है नमक और इसमें हम डालेंगे मीठा सोडा हुआ, धनिया और ज़ीरा, और ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्चें। वाटरमेलन मैंने यहाँ पर कट कर लिए हैं। और यहाँ मैंने बनाई है फ्रूट चाट, इसमें मैंने चीकू, बनाना और एप्पल और ऑरेंज और मेलन भी डाले। अब मैं अपने पकोड़ों को फ्राई करूंगी और टाइम बहुत कम रह गया है, बाहर बहुत शोर हो रहा है, इस पर क्रिकेट चल रही है। बिल्कुल जब इफ्तार का टाइम होता है ना तो इस वक्त जो है ना ये लोग लड़के जो है ना बाहर वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। फारिग है ना, खवातीन जो है वो ही बेचारी किचन में बिजी होती है, बाकी लड़के वड़के जो है वो बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और सहरी पर भी सुबह तक ये लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मतलब ये इनके मज़े हैं। रमज़ानों में ये ज़रूर करते हैं ये कि ये सहरी के टाइम और इफ्तार के से पहले जो है ना ये लोग क्रिकेट, इनका मस्ट है, ज़रूरी लाजमी सवाल, लाजमी काम होता है इनका। गाइस हमारे नेबर में से इफ्तारी आई थी तो उन्होंने कुछ इस तरह के दही बड़े भेजे थे जो ये कल से रखे फ्रिज में। अभी मैं निकाल रही थी तो मैं कह रही थी यार कोई बच्चा आ जाता, कोई स्वीपर आ जाता तो मैं दे देती, तो वो भी नहीं आया और ये रखे हुए थे। यानी ये हर साल हमें इस तरह के दही बड़े भेजते हैं, कोई मुझे बता सकता है
कमेंट सेक्शन में कि ये किस तरह के दही बड़े होते हैं, पानी वाले दही बड़े। ये हर साल भेजती हैं पर ये हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता। मतलब दही बड़े वैसे भी सिर्फ मैं ही खाती हूँ, लेकिन मैं दही बड़े खाती हूँ। ये वाले कौन सी है, ये पानी पूरी कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? ये हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं क्रैकर्स। पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। ये बच्चों के मोस्ट फेवरेट डिश होती है क्रैकर्स। इफ्तार का टाइम हो रहा है और सायरन की आवाज़ें आ रही हैं। हम अभी जाते हैं अपने दस्तरखान पर और मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि देखें कितनी खामोशी है। अभी इतने लड़के यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और सब जा चुके हैं क्योंकि रोज़ा खुलने वाला है। इब्राहिम, सायरन बज रहा है, जल्दी चलो। ये हमारा इफ्तार है और बाबा जा चुके हैं और आज हम फिर अकेले हैं। आ जाओ भाई इब्राहिम। तो गाइज इस वक्त जो है वो इफ्तार का टाइम हो रहा है और सायरन जो है वो सायरन की आवाज़ें आ रही हैं, सायरन बज रहे हैं और जैसे ही मस्जिद से आवाज़ आती है तो हम लोग रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। और ये जो है वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो दुआओं का टाइम होता है कि आप इस वक्त ज़रूर दुआएं करें, वो ज़रूर इंशाल्लाह कबूल होती हैं। तो जो है ना वो अभी हम लोग दुआएं करते हैं और फिर हम लोग इफ्तार करेंगे, तो ज्वाइन करते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। तो गाइज़ ये है मेरा सबसे फेवरेट टाइम, चाय का टाइम, जो इफ्तार के बाद जो है वो फ़ौरन मैंने बर्तन शर्तन धोए और नमाज वमाज पढ़ी और उसके बाद जो है वो मैं सबसे पहले अपनी चाय बना के चाय का कप लेकर आकर लेट जाती हूँ क्योंकि सुबह से थक हार के इफ्तार के काम और ये और वो दिन भर के काम के बाद जो है वो आप सबसे पहले बर्तन बर्तन धोते हैं इफ्तार के। सारी खवातीन जो है वो इफ्तार के बाद बेचारे किचन में जाके बर्तन शर्तन धोती हैं और यही काम है उनके पास, फिर नमाज वगैरह पढ़कर और फिर चाय बनती है घर में सबके लिए। और मैं अपनी चाय जो है वो यहाँ पर फ़ौरन बनाकर जो है वो आकर बैठ जाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। और कौन कौन है बताएं मुझे कमेंट करके जो इफ्तार के बाद जो है वो फ़ौरन चाय पीता है, फ़ौरन उसको चाय चाहिए होती है। तो हम तो भाई चाय के मवाली हैं, हमें तो फ़ौरन चाय चाहिए होती है इफ्तार के बाद। और यहाँ पर इब्राहिम जो है वो अपने असाइनमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको मिला है अल्लाह ताला के 99 नेम्स की याद करने उनको, तो वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छी उन्होंने थोड़े से याद किया लेकिन बहुत अच्छी याद किया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर इब्राहिम जो है वो अपने असाइनमेंट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर 99 नेम्स अल्लाह ताला के वो याद कर रहे थे और दो तीन दिन से भरपूर प्रैक्टिस इनकी चल रही है और काफ़ी जो है वो इनको याद हो गए हैं। इब्राहिम कितने नेम्स हैं अल्लाह ताला के? 99। और आपको कितने याद हो गए? 20-25। हाँ इतने ही याद हुए हैं क्योंकि थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं बच्चों को याद करना, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसने बहुत एफर्ट की है और जो है ना वो जिस टोन के साथ याद करने होते हैं ना वो टोन बरकरार रखना भी बहुत मुश्किल होती है। बहुत प्रैक्टिस के बाद इसको याद हुआ है और मुझे लगता है कि ये अच्छा पढ़ रहा है। इब्राहिम जरा सुना के दिखाएगा। المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل بس مذل پہ رک گئے مذل تک یاد ہوئے ہیں तो आज थोड़े से और याद करें ना, लेकिन बहुत बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ा है। गुड एफर्ट इब्राहिम, गुड एफर्ट, गुड जॉब। और इस वक्त बच्चे रात का खाना खा रहे हैं। आज मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने गोभी चिकन बनाई थी और अभी अभी मैंने रोटी बनाई है, तो ये लोग अपना खाना खा रहे हैं। इस वक्त इनकी कारी साहब की क्लास होती है। कितने बजे से कितने बजे तक इब्राहिम? हाँ लेकिन आज नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमारा नेट नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हुआ है कि नेट नहीं चल रहा। अभी अचानक से जो है नेट में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हमारा नेट वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए जो है वो बच्चों की क्लास नहीं हो सकी। तो मैंने कहा जल्दी से इनको रोटी बना दूँ, ये खाना खा लें। तो ये लोग खाना खा रहे हैं। वजी कैसा बना है बेटा? अच्छा है, एक बाइट खिलाओ मम्मा को। और मैं रात का खाना नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं सैरी करती हूँ डायरेक्ट। ओहो वजी ने अपने साइज़ का बाइट दिया मुझे। भाई वाह, बहुत अच्छा मैंने गोभी चिकन बनाया है और मैं इन्जॉय करूँगी सैरी पर, लेकिन बिल्कुल अकेले, क्योंकि सैरी मैं बिल्कुल अकेले करती हूँ। बाबा चले गए हैं, वैसे बाबा होते भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, बाबा सो रहे होते हैं, बच्चे भी सो रहे होते हैं और मैं अकेली सैरी करती हूँ, है ना भाजी?
एक दिन वजी उठा था, वजी ने मेरा साथ दिया था, लेकिन ये मेरे लिए नहीं उठा था। ये किस लिए उठा था वजी? नहीं नहीं, एक दफा वजी आप सैरी पे उठे थे, क्यों उठे थे? नहीं, कार्टून में मशगूल हुए मैं ये बुरी तरीके से। फैनिया खाने के लिए उठे थे ये अपनी, ये सिर्फ दूसरे सेकंड रोजा था आई थिंक, ये उस दिन उठे थे क्योंकि इनको फैनिया खानी थी। यस, तो ये रात में कह रहे थे कि मैं सैरी पर उठूंगा और मुझे हर सूरत में फैनिया खानी है, तो ये फैनिया खाने उठे थे सिर्फ। बच्चों ने खाना खा लिया है और अब ये लोग सोएंगे और उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग करूंगी और एडिटिंग करते करते जो है वो सैरी का टाइम हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं सैरी बनाऊंगी, फिर मैं अपनी एडिटिंग कंप्लीट करूंगी, फिर जो है थोड़ा सा सो जाती हूँ मैं बीच में। उसके बाद बच्चों को उठाऊंगी, फिर बच्चों का स्कूल और रिपीट 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 होता रहेगा मेरा रूटीन। और रमज़ान में ऐसे ही रूटीन चलता रहता है, आगे थोड़ी सी चेंजिंग आती रहेंगी क्योंकि फिर ईद की शॉपिंग स्टार्ट होगी, तो फिर थोड़ा सा हमारा चेंज होता रह जाएगा टाइम। इफ्तार के बाद हम निकल जाएंगे ईद की तैयारियों के लिए। तो फिलहाल अभी से अभी तो यही फर्स्ट अशरे तक तो हमारा ये रूटीन यही चलेगा, सब लोगों का रूटीन ऐसे ही चलता है। गाइस, आज मैंने आप लोगों से अपना डेली रूटीन रमज़ान का शेयर किया है। सैरी से तो नहीं किया था, दोपहर से किया था जब बच्चों को लेने जा रही थी, लेकिन सैरी का तो आप लोगों को पता ही है मैं क्या करती हूँ, अकेले बैठ के सैरी करती हूँ बस। तो ये तो मैं रोज़ाना ही आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और मिलते हैं कल की व्लॉग में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।